Hello everybody, this is your host, your dost Rohit Sharma, and IndusEdge, which you know is the leading Australian infotainment, entertainment and news magazine, which comes out monthly, which is online and published, is presenting you something special. We have something special for you lined up today, so don't you go nowhere, and we are coming up with the surprise. Also with our celebrity guest, we have with us the special person who is a promoter of this event in Australia. His name is Mr. Bhaskar Ratnam. And I will like Mr. Bhaskar to add a few words. Mr. Bhaskar, what you would like to say about Kapil Sharma visiting Australia? Well, for the last 3 months, we have been organizing Kapil Sharma show, promoting and promotions and all these kind of things. And Kapil Sharma's Australian fans are waiting for his arrival and his team to come. So it would be a very good event. And I would strongly suggest for, you know, the audience and fans to you know, buy the tickets as soon as possible, and the tickets are selling fast, and you know, we are looking forward to the show. Okay, so as you heard that tickets are selling fast, the event is on 11th and 12th of March, 11th of March at Sydney and 12th of March at Melbourne. That's correct? Correct. Okay, thank you very much, and we'll continue with our show. So dosto, intezar ki ghadi khatam hui, ab hamare saath jo hai हस्ती जो सेलिब्रिटी है उनका नाम सुनते ही सबके चेहरे में मुस्कान आ जाती है. ही हैड अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए और जहाँ तक उन्हें अचीव किया, दिस इज अमेजिंग. उनकी जो उनके हिसाब से तो मेरे ख्याल से 2007 से 10 साल से उन्होंने जो अपना प्रोग्रेस किया, उनको लोगों ने नोटिस किया, लाफ्टर चैनल, कॉमेडी सर्कस और कपिल शर्मा शो. सो वी आर सो थैंकफुल दैट ही हैज टेकन आउट सम टाइम फॉर अस. तो जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूं कपिल शर्मा जी का. कपिल शर्मा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर अस. थैंक्स अ लॉट. तो जैसे कि IndusEdge ऑस्ट्रेलिया की लीडिंग पब्लिशिंग मैगजीन है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, दे आर केटरिंग टू इंडियन क्राउड, एशियन कम्युनिटी ओवर देयर, जो न्यूज, इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के बारे में अपडेट देती रहती है. तो और आपका जो शो आ रहा है अगले महीने मार्च में, तो उसके लिए हमारे व्यूवर्स कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में. तो एक पहली बात को जानना चाहते थे, एक्चुअली दे वांट टू नो यू आर सच एन अचीवर, आप कहाँ से, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, एंड यू रीच हियर, तो दे वांटेड टू नो अबाउट योर जर्नी. जर्नी एक्चुअली अभी कितनी देर की इंटरव्यू करेंगे हम लोग? नहीं, आप छोटे में बता दीजिए. छोटे में कैसे बता दूं, आई एम 35 इयर्स ओल्ड मैन, और मेरी जर्नी जो है वो 35 सालों में बता सकता हूँ मैं. या तो मैं बुक लिखूँ अपने ऊपर, या तो मैं फिल्म शूट करके बताऊँ. सो इतनी छोटी इंटरव्यू में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँगा तब यही सब करेंगे हम लोग, बातें करेंगे लोगों को. तो बेसिकली जो मेजर आपका हुआ था व्हेन यू स्टार्टेड फ्रॉम 2007 के आसपास, एंड दिस इज 10 इयर्स, जहां पर आप जो आपने लाफ्टर चैलेंज और उसके बाद स्टार्टेड इन 1997. ओह, दैट इज अमेजिंग. तो हाँ, तो वो तो आप बचपन से कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ लोगों ने नोटिस किया आपको, लाफ्टर चैलेंज, फिर कॉमेडी सर्कस. नहीं, लोगों ने मुझे 1997 में भी नोटिस किया था, पर लोग 250 होते थे. अच्छा, अभी टचवुड लोगों का प्यार बहुत मिला, और टीवी पे काम करते हैं हम लोग, तो अभी मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं हमारे शो को ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पे भी इंडियन हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं. सो बस ये मेरी जितनी भी जर्नी है, जिस भी तफीक में मैं हूँ, जो भी ऊपर वाले ने दी है, तो इन सब में जो हमारे फैंस हैं, जो हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं, उनका हाथ है बस. तो वही लोग बोलना चाहते थे कि जैसे कि आपकी जर्नी थी और लोगों का आपका फैंस है, और कभी आपको ऐसा कोई नेगेटिव गो तो नहीं आया एपिसोड या कुछ, सबकी फैन फॉलोइंग में आपका जैसे कुछ कुछ लाइफ में जो एक्सपीरियंस रहे, इट हैज बीन अमेजिंग, इट्स बीन नेवर बीन एनी हिकअप और समथिंग, किसी वजह से कोई रुकावट तो कुछ वो नहीं आई? देखो, जब रुकावटें नहीं आएंगी, हाँ, तब समझो आप गलत जा रहे हो. करेक्ट. जो भी आप अच्छा काम करना चाहते हो, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, रुकावटें आती हैं. ऑफ कोर्स मेरा पहला ही टीवी शो था जिसमें मैं रिजेक्ट हो गया था, पर मुझे पता था कि मैं उस शो में अच्छा करूंगा. मुझे अपने आप पे विश्वास था, मैं किसी को वो नहीं कर रहा था अंडर एस्टिमेट. तो मुझे पता था मैं इस शो में मैं जाऊंगा नहीं यार, ये शो के लिए तो मैंने बड़ी तैयारी की है, बड़ी मेहनत की है. तो उस शो में उन्होंने पहले ऑडिशन में मुझे रिजेक्ट किया था. मैं भी बात बहुत बार बोल चुका हूँ, मुझे लगता है लोगों को पता भी होगी, पर फिर उसी शो में मैं विनर भी बना. सो यही होता है कि लगे रहो, डोंट गिव अप. वेरी गुड, अंडरस्टैंड. ये जो आपकी जो एज ग्रुप है, आई मीन सब बच्चे से लेके ऑल द ओल्ड पीपल ऑल्सो दे लव यू, एवरीबडी लव्स योर कॉमिक टाइमिंग, हाउ इज इट? बिकॉज आप जो स्पेशल हैं, यू दे लव योर कॉमिक टाइमिंग. सो मेनी पीपल आस्क मी कि आप कपिल जी से पूछे हाउ यू गेट दिस कॉमिक टाइमिंग. बच्चों वाली बात बोलूँ कि कॉमिक टाइमिंग वाली बात? कॉमिक टाइमिंग वाली बात. मेरी माँ जो है वो बहुत विटी हैं, मेरे पापा बहुत विटी थे,
बहुत मजाकिया थे, मेरे काम में भी मेरा रिफ्लेक्शन नज़र आता है मेरी ज़िंदगी का, जो मैं स्टेज पे करता हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ के जोक्स हम लोग क्रैक करते हैं तो मैंने शायद कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को लड़ते देखा है, जो हर मियाँ बीवी या पति पत्नी जो होते हैं वो करते हैं, क्योंकि आप एक लाइफ स्पेंड करते हो एक दूसरे के साथ। तो मैंने बस एक ऑब्जर्वेशन होती है एक आर्टिस्ट की, ऊपर वाले ने एक कलाकार का दिल या दिमाग लगा के भेजा है, दिमाग नहीं एक्चुअली दिल ही लगा के भेजा है, कलाकार दिल से ही काम करते हैं, तो बस वो मेरे काम में नज़र आता है। और मुझे एक्चुअली नहीं पता कि ये कॉमिक टाइमिंग मेरी है या नहीं। हाँ, है पर लोग या... तो नोटिस करते हैं। हाँ, जैसे आपने नोटिस किया, बहुत अच्छा, आई लाइक यू। तो बस इतना है, बस अपना काम करते जाओ, ईमानदारी के साथ करते जाओ, और बस ऊपर वाला देख रहा है अच्छा ही होगा जो। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम लोग तो आपकी कॉमिक टाइमिंग की बात करते हैं, लोग नॉर्मली उसी की बात, लेकिन आपका जो हिडन टैलेंट है सिंगिंग का, विच वी सी एंड समटाइम मिमिक्री एंड ऑल दैट, जो आज लकीली आप इन द शो ऑल्सो टू सी, तो दिस इज समथिंग विच हैज बीन हिडन, बट आप कभी कभी तो दिखलाते हैं। नहीं, हिडन नहीं, एक्चुअली ये मेरा शौक ही था। और मैं आपको मजे की बात क्या है, सबको मैंने बहुत बार ऐसी ये बातें तो मैंने बहुत बार बोली, पर हाँ, मैं सिंगर ही बनना चाहता था। अच्छा, तो निकला तो सिंगर बनने था घर से, पर बाहर जब निकले घर से तो फिर पता चलता है कि और भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है, सारी ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लिए नहीं है। तो फिर और भी लोग मिले और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं आई एम नॉट ए गुड सिंगर, आई एम ए गुड सिंगर बट आई एम नॉट बेटर। तो पर वो शौक मैं अभी पूरा कर लेता हूँ। ओके, ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले की कृपा है और लोगों का प्यार है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि हमारा शो बहुत पसंद करते हैं लोग, और उसमें कभी कभी अपना शौक पूरा कर लेता हूँ गाना गुना गा के, उसमें मुझे कोई रोकता नहीं क्योंकि प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। नहीं, बिकॉज पीपल इंजॉय, आज भी जो आपकी आवाज़ थी इट वॉज अमेजिंग, सो इट रियली सो मेनी सॉन्ग्स यू कैन सिंग, इट इज अमेजिंग। जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के फैंस हैं जो आपको इतना फॉलो करें, वर्ल्ड वाइड आपकी फॉलोइंग है, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप शायद 4 साल पहले गए थे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, हैव यू बीन देयर 4 साल पहले? 3-4 साल हाँ, तो इस बार क्या स्पेशल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं स्पेशल नहीं होगा, वही होगा जैसा मैं हूँ जहाँ पे होता हूँ और जिस माहौल में रहता हूँ, बट हाँ, आप लोगों का इतना प्यार मिला था उस समय सिडनी में और मेलबर्न में ही, हाँ हमारे दो शो थे, मैं था, अरिजीत था उस समय, और वो मेरा अकेले का शो नहीं था, वो अरिजीत थे मेरे साथ और एक और बहुत अच्छे पंजाबी सिंगर है नवराज हंस, वो थे हमारे साथ। बट वो शोज़ जो थे उसमें, मतलब वो हमारा, हम जैसे इस बार हम लोग पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो क्योंकि सब मस्ती मजाक करने वाले हैं और हम लोग सालों से काम कर रहे हैं, तो ये केमिस्ट्री ऑब्वियसली अलग होगी उस शो से। उसमें मैं अकेला स्टैंड अप करता था, यहाँ पे भी करूँगा और गैग्स भी करेंगे हम लोग, मुझे पता ही नहीं एक्चुअली हम लोग क्या क्या करेंगे, क्योंकि लाइव में जब आप जाते हैं यहाँ पे बहुत सारी हमारे ऊपर लिमिटेशंस होती हैं कि हम लोग टीवी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें इतने मिनट का एपिसोड चाहिए या उसको एडिट करके इतना करना है, एक एक सेकेंड का हिसाब होता है यहाँ पे। पर लाइव में तो फिर लोग हमें अगर देखने आए हैं टिकट खर्च करके, आप लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, बहुत खूबसूरत कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, पर मुझे इतना भी पता है कि जो आप वहाँ पे कमाते हैं बहुत मेहनत से कमाते हैं, और जब आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पैसे खर्च करके टिकट लेके हमारा शो देखने आते हैं, तो ये हमारा इखलाकी फ़र्ज बनता है, हमारी मतलब मुझे तो, मैं तो हमेशा ये, मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि इतने लोग हमें देखने आए हैं, और मैं एक्चुअली इमोशनल हो जाता हूँ ये सब देख के, तो फिर ये लगता है कि यार ये लोग हमारे लिए आए हैं, हम अब इन्हीं के हैं, वो जब तक रहेंगे स्टेज पे, जितनी देर, मुझे पता नहीं कितना लंबा शो होगा, बस दैट्स इट। वी अप्रिशिएट, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला था, क्योंकि 11th मार्च को सिडनी में है एंड 12th को मेलबर्न में, एंड पीपल वॉन्टेड टू फाइंड आउट कि हाउ द शो विल बी, आपकी फैमिली कौन कौन आ रहा है, पर आपने तो सारा कुछ बता ही दिया कि पूरी फैमिली आ रही है। सारी फैमिली बहुत बिजी है, मुझे खुद नहीं पता होता कौन कौन कहाँ पे कौन कौन सा शो कर रहा है, तो क्योंकि मैं अभी एक अपनी फिल्म प्रोडक्शन में बिजी हूँ, सो कुछ रीजनल फिल्में भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हाँ ये अभी मुझे भी पूरा पता नहीं है, मतलब सारे लोग ही आ रहे हैं हमारे, मतलब हम लोग सब साथ में ही जाते हैं, तो मैं तो जब जाता हूँ सब हम साथ में ही जाते हैं, क्योंकि मज़ा आता है, और ठीक है शो करते हैं, पर ये भी होता है कि चलो यार एक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं हम लोग अपनी फैमिली से, ज़्यादा तो यही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जिसको आप रियल लाइफ फैमिली बोलते हैं, हालांकि यही हमारी रियल लाइफ है, रियल फैमिली है हमारी एक्चुअली, और मज़ा आता है कि जब हम साथ में जाएंगे, फ्लाइट में बैठेंगे, मस्ती करेंगे, फिर कहीं घूमेंगे भी, शायद एक आध दिन एक्स्ट्रा होगा वहाँ पे,
अगर आपके स्पॉन्सर हमें एक्स्ट्रा खर्चा देंगे sure. नहीं तो हम लोग अपने खर्चे पे रुक जाएंगे. सो मज़ा करेंगे और आप सबसे मिलेंगे. आप अपने परिवार के साथ आइएगा. सो मस्ती मजाक गाने उस वहाँ पे तो कोई रोक टोक है नहीं हमें, तो हम जो दिल करेगा वो करेंगे. वेरी गुड. ये जो आपका ट्रांजिशन रहा है, आप तो पहले टेलीविजन में मोस्टली टाइम आपका बीता था, और किस किस से प्यार करूँ वॉज अ सुपर हिट मूवी, आई लव दैट मूवी. तो अब आपकी पिक्चर आ रही है, अगली पिक्चर आई थिंक फिरंगी. अगली नहीं, ये मेरी पहली पिक्चर है. ओके. हाँ, वो अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट की थी. हाँ, वो रतन जैन प्रोड्यूसर थे. बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा बिजनेस किया उसने. पर ये मेरी आपकी खुद की प्रोडक्शन है? जी, मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ. ओके. और ये मेरे ख्याल से हम लोग अभी उसका रिलीज डेट फाइनल नहीं हुआ, अभी बिकॉज शूटिंग अभी चल रही है. अच्छा. तो 50% हम लोग उसको शूट कर चुके हैं. सो बाकी ऑस्ट्रेलिया से आके करेंगे. ओके. सो आपको रिलीज के आसपास है, आपके दिवाली के आसपास कुछ रिलीज का क्राइटेरिया है कि कब आपको लग रहा है इस साल आपके दर्शन? नहीं, ऐसा अभी कुछ फाइनल नहीं. ऐसा कुछ फाइनल? जी, ऐसा फाइनल नहीं. ठीक है. तो आपको ये ट्रांजिशन कैसे लगा, टीवी टू कुछ डिफरेंस मिल रहा है या यू विल बी एबल टू टेल नाउ? तो यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ प्रोड्यूसर एंड आप नई नई चीजें सीखते हो, आप कुछ भी लाइफ में करते हो. मैं ये नहीं बनता, मैं मतलब जैसे मैंने बताया कि मुझे सिंगिंग अच्छी लगती थी, सिंगिंग से पता नहीं एक्सीडेंटली कॉमेडी में आ गए और अब फिल्म कर रहा हूँ. सो लाइफ है, इसको ज़्यादा आप जज नहीं कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो. आपकी प्लानिंग कुछ नहीं है, कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी है. तो अपना काम करते जाओ, ईमानदारी से करते जाओ, और बस यही है. तो आप जो आपने जो ये अचीवमेंट, और आप मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. लाइफ में मेरा पहली बार आपने मुझे इतना सीरियस किया है कैमरा पे, मुझे बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप. थैंक यू. आपका जो ये जो अचीवमेंट है, इतनी हाई आप पहुंचे हैं, एवरीबॉडी लव्स यू एंड यू अचीव सो मच. तो आपकी जो ह्यूमिलिटी है, विच इज एवरीबॉडी इज प्राउड ऑफ, आप इतने हम्बल हैं, तो ये आप कैसे कर पाते हैं? बिकॉज लोग सोचते हैं कि दूसरों में एरोगेंस आ सकता है, ये आ सकता है. आप तो इतने आपके अंदर जो कनेक्ट है ऑडियंस के साथ, जब आप होते हैं स्टेज में होते हैं पीपल फील यू लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर, जैसा कि आप घर के ही लोग हो, इसलिए आपके साथ सब कनेक्ट कर पाते हैं, इंडिया के ऑडियंस, वर्ल्ड वाइड इनफैक्ट. तो लोगों को लगता भी है कि घर के लोग, क्योंकि आम लोगों जैसी बात करता हूँ मैं, उन्हीं के बीच में से निकला हूँ, और वहीं मैं कुछ ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं करता हूँ कि जो दुनिया में कभी किसी ने सुनी ना हो. तो जितनी आप ज़मीन से जुड़ी हुई बात करते हैं, लोग उतना आपको रिलेट करते हैं आपके साथ कि हाँ यार, ये हमारे घरों में होता है ऐसे, जैसे ये बोल रहा है. तो बस उतना ही है. तो कपिल जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. सो नाइस टू मीट यू. एंड भास्कर जी, थैंक यू फॉर योर टाइम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. एंड सी यू सून. ये भास्कर जी हैं, यही हमारे शोज अरेंज कर रहे हैं. बहुत ही प्यारे इंसान हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की है. So thanks a lot, Bhaskar ji. Thank you for inviting us. Thanks. Accept our offer and coming over there. Thank you. Much appreciated. Thank you.